जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज गंगोर की पूजा है तो सुबह 6 बजे ही मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने नहा लिया है। उसके बाद मैं चौका वौका भी मैंने साफ़ कर लिया था रात में ही, क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा सा हलवा बनाना था और पूड़ी बनानी थी, तो हलवा पूड़ी भी मैंने बना लिया है। और उसके बाद जो है मंदिर भी मैंने साफ़ कर दिया है और उसके बाद हम फटाक से तैयार हो गए हैं। हमने रेड कलर की साड़ी पहन ली है। ये देखिए यीशु को, इनको उठाया हमने। इस समय बज रहे हैं 7:30 पर इनको अभी नींद लगी, मम्मा अभी सो लें दो थोड़ी देर। और इसके बाद जो है ये देखिए अखबार पढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हमने रेड कलर की साड़ी पहन ली है। इन लोगों को हमने चाय भी बना के दे दी, ये सब चाय पी चुके हैं। अभी हमने नहीं पी है, जब हम पूजा करके आएंगे तब हम चाय पियेंगे, अभी हमने चाय नहीं पी है। ये रेड चुंदरी भी हमने ओढ़ ली है और नथ भी पहन ली। हम लोग क्या कोई भी पूजा होती है नथ जरूर पहनते हैं। ये देखिए बगल वाली मेरी श्रुति है, हम दोनों कोई भी पूजा होती है तो साथ साथ ही करते हैं। और ये दीदी लोग के यहाँ हम जाके पूजा कर रहे हैं। दीदी लोगों ने जो गंगोर रख ली है उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। एक पेन कागज़ लगा देते हैं, उसके ऊपर 16-16 टिक्कियाँ लगाते हैं। और ये देखिए थाली की जो हमने प्लेट तैयार कर ली थी, ये घी का दिया है, रोरी है, चावल है और दूरबा की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो दीदी ने दूरबा मंगा के रख ली है। और 16 काजल की टिक्कियाँ लगती हैं, 16 जो है रोरी की टिक्की लगती है और 16 मेहंदी की टिक्की लगती है। सभी सुहागिन औरतें उस पर टिक्की लगाती हैं उस कागज़ पर, प्लेन कागज़ पर। इनकी ये छोटी सी बच्ची भी है। और इसके बाद देखिए ये गंगोर, ईसर गंगोर रखे हुए हैं, इन पे गुड़हल का फूल वगैरह चढ़ा करके पूजा हो रही है। सभी लोग पूजा कर रहे हैं, उसके बाद गीत गाएंगे। जो गीत गाए जाते हैं इसमें हस्बैंड का नाम लिया जाता है और फिर उसके बाद पत्नी का नाम लिया जाता है। तो दीदी सबसे पूछ पूछ के गीत गा रही है सबके हस्बैंड का नाम लेकर के। फिर जो ये गंगोर माँ हैं इनको सबके सिर पे जो है टच कराया जाता है। दीदी इस तरह सबके सिर पे छुआ रही हैं, ऐसा रिवाज है तो वो सबके साथ ऐसा कर रही हैं। इस प्रकार से पूजा संपन्न हुई, अब गंगोर जी की विदाई करी जा रही है। लाल चुनरी उड़ा करके वे दूसरे के घर जाएंगे, तो वहाँ जिसको पूजा करनी वो पूजा कर लेगा। अब वहाँ पे देखिए हमें ये एक पोटली मिली हुई है और इसको जो दोपहर में जब हमको फुर्सत मिलेगी तब हम आप लोगों को खोल कर दिखाएंगे इसमें क्या क्या है। शायद उन्होंने उज्वन किया था, इसमें उज्वन का सामान है। जो भी कुछ होगा वो दिखाएंगे। अब हमने चाय बना ली है, चाय पी रहे हैं क्योंकि हमने ये लोग सुबह पी चुके थे। हमने आ करके अपने लिए चाय बनाई है, अब हम चाय पीते हैं।
पूजा समाप्त हो गई तो हमने पंडित जी के लिए एक गिलास दूध दे दिया है और इन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पूजा समाप्त होती है हमारे यीशु को बहुत जोर भूख लग जाती है, क्योंकि सुबह का वो एक गिलास खाली दूध पिए होता है या चाय बिस्किट खाए हुए होता है। तो ये हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, इसमें आलू तोड़ कर डाली है तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी हमने बना दिया है। ये जो टमाटर धनिया मिर्चा हमने पहले पीस लिया था, धनिया मेरे पास नहीं थी सॉरी, टमाटर अदरक मिर्चा हमने पीस लिया था, उसको तेल में डाला, उसको भूना है, फिर आलू तोड़ के डाला है, अब इसको भून रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे थोड़ी देर के लिए आलू को अच्छी तरह से टमाटर को पकने देंगे, फिर इसमें बेसिक मसाले जो हैं जैसे हल्दी पाउडर है, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर है, इसको सबको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, मसालों को भी पकने देंगे तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। क्योंकि आलू जो है मिस जाते हैं तो इससे रसा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, सब्ज़ी में बहुत ही गजब का टेस्ट आ जाता है। आप इसमें आवश्यक हमने जो है पानी इतना डाल दिया है क्योंकि बस हमको पूरी से खाना है, चावल से नहीं खाना है, इसलिए बहुत पतली सब्ज़ी हम नहीं बनाएंगे। मेरे पास धनिया नहीं था तो एक दिन हमने सुखा करके स्टोर करके धनिया रखा था, उसको डाल दिया है। अब हम पूरी बनाएंगे तो पूरी के लिए हमने आटा पहले से लगा के रख लिया था। थोड़ा सा रिफाइंड लगा के सारे लोई को हम रख लेंगे और फिर पूड़ियाँ फटाफट बेलेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। ये लोग खाना खाने बैठ गए हैं, हमने जो खीरे भी काट लिए थे, अब इस तरह से पूड़ियाँ सारी हम पहले इकट्ठा कर ले रहे हैं, तेल अच्छे से गरम कर लेंगे, पूरी पूड़ी बेल लेंगे, जितनी भी खानी है तो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि दो लोग ही खाने वाले हैं घर में, हम अपने लिए बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने चाय पिया है तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। इस तरह से सारी पूड़ियों को बेल करके पहले हम एक जगह रख देते हैं, फैला देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि रिफाइंड जब मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें फिर हम निकाल लेते हैं। जितना इन लोगों को खानी उतनी पूड़ियाँ हम बेलते चले जा रहे हैं और इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। इसके बाद हमने जो है इसमें एक पेपर लगा दिया जिससे एक्स्ट्रा तेल जो है वो हो जाए, सूख जाए और मेरा जो पूड़ी भी ख़राब ना हो। अब फटाफट हमने रिफाइंड हमारा अच्छी तरह से देखिए गर्म हो गया, तब इसमें पूड़ी हम डाल देते हैं और गर्मा गर्म फूल फूल कर पूड़ी देखिए मेरी कितनी अच्छी अच्छी निकल रही है। अब इसको इन लोगों को हम दे देते हैं, ये लोग खा लेंगे, उसके बाद दोपहर में फिर अपने लिए जब हमको भूख लगेगी तब अपने लिए पूड़ी बना लेंगे। उलट पलट के पूड़ी को अच्छी तरह से सेक लीजिए। मेरे यीशु को थोड़ी खरी खरी पूड़ियाँ अच्छी लगती, मतलब थोड़ी लाल लाल पूड़ियाँ। पहले हमने यीशु की थाली लगा दी क्योंकि उसको भूख बहुत जोर लगी, हमने पूड़ी रख दिया, थोड़े से हमने खीरे काट लिए, वो बोला मम्मा हम दही भी खाएंगे तो हमने उसके लिए दही में जीरा भुना डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, काली मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। फिर दिन में हमने थोड़ा यूट्यूब का काम किया था, उसके बाद शाम को हम गए नीचे तो मंदिर में हो रहा था कीर्तन। कीर्तन में ये देखिए दिव्यांशी कितना बढ़िया डांस कर रही है, सब लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, माता के गीत गा रहे हैं। रोज़ शाम को हम लोग पूरे 9 दिन इसी तरह माँ के गीत गाते हैं सब लोग आपस में ताली बजा के। और उसके बाद ये दिव्यांशी अचानक से उठी और इतना अच्छा डांस कर रही है कि देख के हंसी भी आ रही है और खुशी भी हो रही है। ये देखिए छोटी सी है पर बिल्कुल नहीं शर्मा रही, बहुत अच्छे से डांस कर रही है। अब बज चुके हैं रात के 8:30, सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, बच्चे खेल चुके हैं, अब ये सब भी अपने घर की तरफ जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आपका एक भी पैसा नहीं लगता ना लाइक करने में ना सब्सक्राइब करने में, और मेरा मोटिवेशन होता है, फिर मेरा मन और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का करता है। प्लीज़ प्लीज़ इसलिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर करा करिए मेरे वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद ये देखिए बच्चे साइकिल विकल चला रहे हैं, कहा जा रहा है चलो तो बच्चे अभी जाने का मन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ये चीज़ के लिए बड़ी अच्छी सुविधा है कि सब लोग खेल लेते हैं। अब मैं रात में आई तो मैंने कहा था आपको पोटली में दिखाऊँगी क्या क्या है, जब खाना आना मैंने इन लोगों को खिला दिया, ये लोग सो गए हैं, तब फिर मैंने पोटली खोली, मैं भी सोने जा रही थी, मुझे अचानक से याद आया तो देखा इसमें कंघा है, सीसा है और चूड़ियां हैं, बिंदी है, यानी कि श्रृंगार का पूरा सामान समझ लीजिए, सिंदूर भी है, काजल है, श्रृंगार की पूरी चीज़ें इसमें हमने देखा कि उन्होंने दीदी जी ने उजमन में रखी थी।
और इसके बाद जो है उन्होंने बिछुआ भी रखा, तो जो पैर में पहनते हैं वो बिछुआ भी रखा है। अच्छा सामान है सभी देखकर। और ये मेहंदी का भी कोन उन्होंने रखा है, मेहंदी भी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी, एक दातून भी उन्होंने रखी, तो मैंने दातून किनारे कर ली। अब सुबह होने का इसी दातून से हम ब्रश कर लेंगे। ये देखिए उन्होंने बिछुआ रखा है, अच्छा है, नगदार बिछुआ भी है, बहुत अच्छा है। और इसका छोटा सा एक क्लेचर रखा, तो मैंने कहा लगा के देख लेते हैं, छोटू सा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और एक तो गेटिस टाइप की भी उन्होंने रखी है। अब सभी चीज़ों को हमने कहा झोली में ही रख देते हैं, रात में कहाँ हम फैलाएँ। फिर उसके बाद खाली मेहंदी को मैंने हटा लिया है, और इसमें एक 20 रुपये का नोट भी था, उसको मैंने अपनी अलमारी में रख लिया। और उसके बाद जो है मेहंदी को फ्रिज में रख देंगे, और दातून को हमने बाहर रख लिया है, सुबह उसी से कर लेंगे, उसके बाद इसको